Hello friends, good morning. This is Virendra Pratap Singh and welcome back to our YouTube channel Vnclasses. Friends, आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं और वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसका नाम है प्रोनाउन. फ्रेंड्स, ये प्रोनाउन क्या होता है? अगर अंग्रेजी में इसके डिफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले, जो नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन. जैसे कि यहां पर मान लीजिए मैंने दिया यहां पर क्या, रमन, और फिर दिया रमन इज अ गुड प्लेयर. रमन इज अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर, प्लेयर. और फुल स्टॉप लिखा है यहां पर क्या, ही वांट्स टू प्ले द मैच. एक सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है क्या, रमन इज अ गुड प्लेयर, ही वांट्स टू प्ले द मैच. फ्रेंड्स, यहां पर देखिए दो सेंटेंस है. पहले सेंटेंस में रमन एक नेमिंग वर्ड है यानी कि नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में यहां पर ही है जो कि प्रोनाउन है. प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि इस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यहां पर रमन के लिए हुआ है. रमन इज अ गुड प्लेयर, रमन एक अच्छा विद्यार्थी है. ही वांट्स टू प्ले द मैच, वह मैच खेलना चाहता है. कौन मैच खेलना चाहता है? यानी कि रमन मैच खेलना चाहता है. तो मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसे शब्द जो नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं. एक यहां पर देखिए मैंने दिया क्या, किरण वाज इल, किरण वाज इल, और फिर लिखा सो सी डिड नॉट, सी डिड नॉट गो टू स्कूल. फ्रेंड्स, यहां देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है. इसमें पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है किरण, यानी कि किरण नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में यहां पर सी, यहां पर इसका सब्जेक्ट है. यहां पर सब्जेक्ट नाउन है और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है. क्यों प्रोनाउन यहां पर सब्जेक्ट है? ये प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि सी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किरण के लिए किया गया है. तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिसका प्रयोग नाउन के बदले किया जाता है, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम. अब अगर बात करें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. कुल 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं. यानी काइंड्स ऑफ, अगर हम काइंड्स की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 11 टाइप्स है, 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. जिसमें पहला प्रोनाउन क्या है, आप बोलेंगे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन. क्या है पहला? पर्सनल प्रोनाउन. और इस पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं क्या? निजवाचक सर्वनाम. क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम. फ्रेंड्स, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो आप कहेंगे अ पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट रेफर्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस आर थिंग्स. ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को डिनोट करते हैं, रेफर करते हैं, उसे बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन. दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो आप कह सकते हैं द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन विच इज विच डिनोट्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस आर थिंग्स. ऐसे शब्द जो ऐसे नाउन के बदले प्रयुक्त होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को डिनोट करते हैं, ऐसे सर्वनाम को, ऐसे शब्द को, ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. यानी जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सूचित करने वाले शब्द होते हैं. अब कौन कौन से प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के 3% के प्रोनाउन यूज किए जाते हैं. पहला क्या होता है? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसमें दो प्रोनाउन होता है, एक आई होता है और दूसरा वी होता है. सेकंड पर्सन में एक प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड पर्सन में चार प्रोनाउन होते हैं, एक ही होता है सी, इट, और लास्ट प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है? दे. इस प्रकार से आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये जो आपके प्रोनाउन है इसे क्या कहते हैं? इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सूचित करने वाले नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाता है. और फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है. आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इनका प्रयोग सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है. अब बात अगर हम दूसरे प्रोनाउन की करें कि दूसरा प्रोनाउन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा दूसरा प्रोनाउन है आपका पजेसिव प्रोनाउन. फ्रेंड, दूसरा प्रोनाउन क्या है? आप कहेंगे दूसरा प्रोनाउन है
पजेसिव प्रोनाउन, यानी दूसरा है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आप बोलेंगे इसको बोलते हैं संबंध कारक या अधिकार सूचक सर्वनाम। ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो आप बोलेंगे द प्रोनाउन विच इज यूज टू टेल इट्स रिलेशन विद अदर नाउन प्रोनाउन इज नोन एज पजेसिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग हिंदी में अगर बोलूं तो ऐसा सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करने या उस पर अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पजेसिव नाउन, पजेसिव प्रोनाउन। अगर पजेसिव शब्द लगा हुआ है प्रोनाउन में तो आप याद रखेगा ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो किसको दिखाता है? आप बोलेंगे ये पजेशन को दिखाता है। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। यह रिलेशन को बताता है। किसको बताता है? संबंध को बताता है। तो पजेसिव प्रोनाउन ऑलवेज डिनोट्स पजेशन एंड रिलेशन। अब ये पजेशन और रिलेशन किसके साथ डिनोट किया जाता है? तो वो हो जाएगा किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। अब बात यहाँ पर ये होती है फ्रेंड्स कि पजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा मैंने अभी आपको तीन प्रोनाउन बताए थे। क्या यहाँ पर आप याद रखिएगा जो तीन पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर मैंने आपको बताया था आई। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन मैंने बताया था आई और वी। सेकंड पर्सन में मैंने क्या बताया था आपको? एक प्रोनाउन बताया था यू। और थर्ड पर्सन में मैंने आपको क्या बताया था? चार प्रोनाउन बताया था थर्ड पर्सन में। कौन कौन बताया था? आप कहेंगे ही है, सी है, इट है, और उसके बाद चौथा क्या है यहाँ पर? दे है। यानी ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो आपके पर्सनल प्रोनाउन है। अब पजेसिव प्रोनाउन फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं? तो आप देखिएगा ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उसमें आई के आगे यहाँ पर मैं माई करता हूँ और यहाँ पर माइन एम आई एन ई। यहाँ पर वी के आगे हमने अवर कर दिया और यहाँ पर अवर्स कर दिया। योर के आगे यहाँ पर मैंने योर किया, आप लिख करके योर्स कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने ही के आगे हिज किया, दोनों साइड में हिज कर दिया। फिर यहाँ पर सी के आगे इधर हर किया और इधर क्या कर दिया? हर्स। इधर अगर मैंने क्या किया? इट्स किया और दोनों तरफ मैंने इट्स कर दिया। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया? देयर किया, टी एच आई आर। और फिर क्या किया? देयर्स किया। क्या किया यहाँ पर? देयर्स किया। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि पजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, तो आप ये देखिए इधर वाले जो शब्द हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब आपके मन में आएगा कि इधर वाले शब्द क्या होते हैं? तो ये जो इधर वाले शब्द हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये प्रोनाउन नहीं होते फ्रेंड्स। इनको हम बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो आप याद रखिएगा पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध या अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन के रूप में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करने या उस पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। अब आपके मन में एक चीज आएगा कि आखिर इसका क्या यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव का क्या यूज होता है? तो फ्रेंड्स पजेसिव एडजेक्टिव का भी वही यूज होता है जो पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। मतलब पजेसिव एडजेक्टिव ऑल्सो यूज टू टेल इट्स रिलेशन विद अदर प्रोनाउन। यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसका प्रयोग भी किसी दूसरे नाउन के साथ संबंध या अधिकार को दिखाने या स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव जब दोनों का प्रयोग किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है तो आखिर फिर दोनों को अलग अलग यूज करने का क्या मतलब है? दोनों में का प्रयोग एक रूप में क्यों नहीं होता है? आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेगा कि इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? अब याद रखेगा कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के ठीक पहले आकर के उसके साथ संबंध या अधिकार को दिखाता है, जबकि जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन डजंट कम बिफोर नाउन। वह नाउन के पहले नहीं आता है बल्कि वह नाउन के स्थान पर आता है और स्थान पर आकर क्या करता है? उस नाउन के साथ संबंधित अधिकार को दिखाता है। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के ठीक पहले आता है और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के पहले नहीं आता है बल्कि नाउन के स्थान पर आता है। कैसे? एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, एग्जांपल के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिखाया, सेंटेंस क्या यहाँ पर है कि यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया क्या मेरे हाथ में मार्कर है, तो यह मेरा मार्कर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस मार्कर पर किसका अधिकार दिखाया जा रहा है? मेरा अधिकार दिखाया जा रहा है।
अब इसको मैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे दोनों का प्रयोग किया जाता है और कैसे दोनों इस मार्कर पर हमारे अधिकार को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज, और फिर यहाँ पर होता है माई, और यहाँ पर देखिए क्या होगा मार्कर, दिस इज माई मार्कर। अब यहाँ पर ये मार्कर क्या है, ये मार्कर यहाँ पर नाउन है, और नाउन के पहले यहाँ पर क्या आया है, आप बोलेंगे माई शब्द आया है। अब फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि ऐसे शब्द जो नाउन के ठीक पहले आकर के उसके साथ संबंध या अधिकार को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर माई का प्रयोग किसके साथ हुआ है, किसके पहले हुआ है, आप कहेंगे नाउन के ठीक पहले हुआ है। यानी ये जो माई शब्द है ये क्या है, आप कहेंगे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पीए है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन के ठीक पहले आकर के क्या किया है, इस नाउन पर मेरे अधिकार को दिखा रहा है, इस नाउन के साथ मेरे संबंध को दिखा रहा है। अगर बात हम करें किसकी, अगर बात हम करें पजेसिव प्रोनाउन के माध्यम से कि पजेसिव प्रोनाउन से इस संबंध को दिखाएं, तो आप जरा सा देखिएगा ये पजेसिव प्रोनाउन हम आपको दिखा रहे हैं। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात दिखाएं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा दिस इज माइन मार्कर कभी नहीं होगा, दिस इज माइन मार्कर कभी नहीं होगा। हो सकता है सेंटेंस में आपको ऐसे मिल जाए, ये मार्कर, मार्कर क्या है आपका नाउन है, और नाउन के पहले यहाँ पर माइन का प्रयोग हुआ है, जो कि माइन क्या है यहाँ पर वो प्रोनाउन होता है। अब रूल ग्रामर का क्या बोलता है, रूल बोलता है कि प्रोनाउन डजंट कम बिफोर नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के पहले कभी नहीं करते हैं बल्कि नाउन के स्थान पर करते हैं। तो मीन दैट यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग ही गलत हुआ है। अब अगर हम प्रोनाउन के सही प्रयोग करके इस प्रोनाउन के द्वारा इस नाउन का संबंध दिखाएं, तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा दिस मार्कर, ये हो जाएगा दिस मार्कर इज, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइन, दिस मार्कर इज माइन। अब देखिएगा यहाँ पर ये माइन क्या है, ये माइन यहाँ पर प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, आप बोलेंगे पीपी, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन है। अब ये किस पर दिखा रहा है अधिकार, ये अधिकार इस नाउन पर दिखा रहा है, लेकिन ये नाउन के पहले नहीं आया बल्कि नाउन के स्थान पर आया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आकर के उस नाउन के साथ संबंध को स्थापित करता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो नाउन के पहले नहीं आता बल्कि वो नाउन के स्थान पर आकर के नाउन के साथ संबंध को स्थापित करता है। फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट काइंड की बात करें, अब जो और कौन से काइंड है, तो नेक्स्ट काइंड आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये फ्रेंड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संकेत वाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव, DOMONSTRATIVE। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेत वाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, आप कहेंगे संकेत वाचक सर्वनाम। क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग आर समवन, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी की ओर संकेत करने के लिए, किसी की ओर पॉइंट आउट करने के लिए, किसी की ओर इशारा करने के लिए किया जाए, उससे प्रोनाउन को, उस प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी ऐसे सर्वनाम, द प्रोनाउन विच इज यूज टू पॉइंट आउट समवन आर समथिंग, ऐसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी को संकेत करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाए, उसे हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा ये दिस वर्ड है, दिस है, दैट है, दीज है, और दोज है। ये जो चार वर्ड आपको दिख रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, फ्रेंड्स ये जो वर्ड है इसे क्या बोलेंगे, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन आप याद रखिएगा एक चीज कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग भी नाउन के पहले नहीं होता है। ये जो वर्ड है दिस, दैट, दीज, दोज, इनका काम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी होता है और यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। लेकिन दोनों में फिर बेसिक अंतर होता है, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, अगर ये शब्द दिस, दैट, दीज, दोज अगर किसी नाउन के ठीक पहले आते हैं और नाउन के ठीक पहले आकर के उसकी ओर अगर इशारा करते हैं तो ये कहलाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और अगर इन शब्दों के बाद कोई वर्ब आती है और वर्ब आकर के फिर क्या होती है कि उस नाउन की ओर संकेत होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। कैसे, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने क्या बोला था, यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है आपको, मैंने यहाँ पर लिखा था दिस इज माई मार्कर। आप फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज माई मार्कर, यानी यहाँ पर संकेत किया जा रहा है ना, यह मेरा मार्कर है, इशारा हो रहा है, किसकी ओर इशारा हो रहा है, मार्कर की ओर इशारा कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर दिस शब्द आया है और दिस के बाद यहाँ पर क्या है, वर्ब है, दिस के बाद क्या है यहाँ पर, वर्ब है।
तो अगर दिस दैट दिस दोस के बाद अगर वर्ब आ जाती है तो दिस दैट दिस दोस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डीपी हो जाएगा अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद तुरंत अगर नाउन आता है अर्थात नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया क्या, हमने यहाँ पर कर दिया दिस मार्कर, हमने यहाँ पर लिखा क्या दिस मार्कर इज माइन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मार्कर क्या है नाउन है और नाउन के ठीक पहले क्या आया है दिस शब्द आया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिस शब्द है वो प्रोनाउन नहीं है क्योंकि उसका प्रयोग नाउन के पहले आया है और नाउन के पहले अगर जो नाउन की ओर संकेत या इशारा कर रहा है इसलिए दिस को हम क्या बोलेंगे, दिस को बोलेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये बेसिक डिफरेंस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में होता है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव अगर आएगा तो आपको पहचानना होगा कि अगर दिस दैट दिस दोस के बाद कोई वर्ब आती है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा और अगर नाउन के ठीक पहले दिस दैट दिस दो जाता है और उसके बाद फिर वर्ब आती है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब अगर बात नेक्स्ट प्रोनाउन की करें और कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो फ्रेंड्स है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। वो क्या है आपका, वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये इनडेफिनिट प्रोनाउन को फ्रेंड्स हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा द प्रोनाउन विच इज यूज टू टेल एन इनडेफिनिट पर्सन प्लेस आर थिंग्स इज नोन एज इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो, अर्थात जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध ना हो, ऐसे सर्वनाम को, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। कौन कौन से प्रोनाउन फ्रेंड्स यहाँ पर होते हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बोला क्या बोला, हमने यहाँ पर लिखा एवरीवन, एवरीवन हुआ, एवरीबडी हुआ, एवरीबडी हो गया बडी, फिर यहाँ पर हुआ समवन हो गया समवन, नो वन हो गया नो वन, यहाँ पर हो गया क्या समबडी हो गया समबडी हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा नोबडी नोबडी लिखा, फिर यहाँ पर लिखा एवरीबडी एवरीबडी, फिर यहाँ पर लिखा सम एक्सेट्रा ईटीसी। फ्रेंड्स एवरीवन एवरीबडी समवन नोवन समबडी नोबडी एवरीबडी सम और वन ओ एनी एक्सेट्रा, यहां से निकल के यहां से ईटीसी कर देते हैं ईटीसी। ये जो प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं एवरीवन एवरीवन एवरीबडी समवन नोवन समबडी नोबडी एवरीबडी, एवरीबडी मैंने शायद दो बार कर दिया है कोई बात नहीं, समवन सम फिर यहां पर मैंने सम कर दिया और उसके बाद फिर यहां पर वन कर दिया। ये सारे के सारे जो प्रोनाउन फ्रेंड्स यहां पर दिए हैं ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो एवरीवन है एवरीबडी है इनसे किसी विशेष व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं होता है बल्कि हमेशा अनिश्चित संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनिश्चित संख्या की बात करते हैं। तो ये जो अनिश्चित संख्या की बात करने वाले प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा कि एवरीबडी, हमने यहां पर लिखा क्या एवरीबडी शुड, एवरीबडी शुड ओबे और फिर यहां पर लिखा हिज पेरेंट्स, एवरीबडी शुड ओबे हिज पेरेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति का मतलब होता है, हमने किसी विशेष व्यक्ति की बात तो नहीं किया कि तुम्हें करना चाहिए कि उसको करना चाहिए कि मुझे करना चाहिए, हमने कहा प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का कि आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपनी माता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो एवरीबडी है वो आपका क्या है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि इसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही है बल्कि अनिश्चित, हम किसके बारे में कह रहे हैं, कन्फर्म नहीं है, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ऐसे एक और एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा नोबडी 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 कंप्लीटेड नोबडी कंप्लीटेड हिज सिलेबस, किसी ने भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया।
अब आपने बताया कि हमने किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं किया, हमने कहा किसी भी व्यक्ति ने अपना पार्ट अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो मीन दैट यहाँ पर नोबडी और एवरीबडी ये दोनों के द्वारा निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, अनिश्चित व्यक्ति की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये जो आपके एग्जाम्पल है ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो हमेशा अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात करता है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, आप बोलेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा फ्रेंड्स, आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है, आप बोलेंगे द प्रोनाउन विच इज यूज टू रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट एक्शन ओवर बैक टू हिम इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग कर्ता के कार्य के प्रभाव को उसके ऊपर पुनः प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी आप याद रखिएगा हमने यहाँ पर क्या बोला, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, आप बोलेंगे ये सब्जेक्ट के कार्य को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है, सब्जेक्ट का जो कार्य होता है वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसके ऊपर करते हैं, आप बोलेंगे पुनः सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के कार्य, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ कार्य होता है वह उनके प्रभाव को पुनः सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो ऐसा करने वाले प्रोनाउन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, तो आप याद रखिएगा जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं, सेल्फ ये सारे के सारे जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया, हमने यहाँ पर क्या दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया माई सेल्फ, ये माई सेल्फ हो गया। फिर हमने लिखा यहाँ पर आवर सेल्फ हो गया, यहाँ पर हो गया योर सेल्फ हो गया, फिर आप लिख यहाँ पर योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा दिया यहाँ पर क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है मैंने हिमसेल्फ, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा है हिमसेल्फ हो गया। हिमसेल्फ के बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पर आप कहेंगे हरसेल्फ हो गया। हरसेल्फ के बाद फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया इटसेल्फ हो गया, और इटसेल्फ के बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देमसेल्फ्स। तो फ्रेंड्स ये जो सेल्फ प्रोनाउन है, सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन है, उनको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस की समाप्ति पर होती है, अर्थात जहां पर सेंटेंस समाप्त होते हैं, सेंटेंस के खत्म होने पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे अब आपको मैं दिखाता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो आप यहाँ पर याद रखेगा जैसे मैंने यहाँ पर किया कि आई हैव, मैंने यहाँ पर लिखा आई हैव कम्प्लीटेड, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, और फिर मैंने लिखा माई सेल्फ, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ। फ्रेंड्स ये माई सेल्फ क्या है, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है जो उसके प्रभाव को वहां बैक टू हिम स्वयं कर्ता के ऊपर खुद से वापस भेजता है। यानी जैसे लिखा कि आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने स्वयं अपने कार्य को किया, अर्थात काम मैं ही कर रहा हूँ, काम हो रहा है, और काम किसके ऊपर, किसके द्वारा हो रहा है, काम स्वयं कर्ता के द्वारा हो रहा है। तो अब कार्य का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है फ्रेंड्स, कार्य का प्रभाव तो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है ना, कि मतलब कार्य कोई और नहीं करता है, कार्य मुझे ही करना पड़ रहा है। तो ये जो कार्य का प्रभाव पड़ रहा है स्वयं कर्ता के ऊपर, इसी को रिफ्लेक्ट करने वाला जो प्रोनाउन होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने सपोज यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा कि ही लर्न, LERN, ही लर्न हिज लेसन, ही लर्न हिज लेसन, और फिर यहाँ पर लिखा क्या, हिमसेल्फ। अब यहाँ पर ये हिमसेल्फ क्या है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे हिमसेल्फ यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कार्य के प्रभाव को स्वयं कर्ता के ऊपर डाल रहा है। तो आप याद रखिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा कर्ता के कार्य के प्रभाव को उसके ऊपर स्वयं डालने के लिए आते हैं, और ये जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और दूसरी बात जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के समाप्ति पर, यानी सेंटेंस के अंत में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक प्रोनाउन और है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो आपका है इम्फेटिक प्रोनाउन, वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये क्या है आपका, एक प्रोनाउन और है यहाँ पर, वो क्या है, आप कहेंगे वो है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी ई एम पी एच ए टी आई सी,
इम्फेटिक प्रोनाउन को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं हिंदी में? इम्फेटिक प्रोनाउन को बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये इम्फेटिक emphatic, ये इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? तो आप कहेंगे एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज द प्रोनाउन विच इज यूज बाय द सब्जेक्ट टू से समथिंग फोर्सफुली। कर्ता के द्वारा किसी बात को जोर देकर कहने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वही प्रोनाउन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। यानी इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा कर्ता के द्वारा किसी बात को जोर देकर कहने के लिए किया जाता है। ठीक, अब आपके मन में ये आएगा कि आखिर इम्फेटिक प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा इम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन ये सेल्फ प्रोनाउन होते हैं, जो सेल्फ प्रोनाउन है वो भी इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठेगा कि अगर सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, सेल्फ प्रोनाउन अगर इम्फेटिक प्रोनाउन है तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में फिर अंतर क्या रह जाता है? तो आप एक चीज याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वाक्य के अंत में सेंटेंस के समाप्ति पर आते हैं, जबकि जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। यानी जो आपका इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने किया आई माई सेल्फ, मैंने यहाँ पर लिखा आई माई सेल्फ डू माई वर्क या आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं स्वयं ही अपने काम को करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं स्वयं ही जोर दे रहा है, बात को कहने के लिए जोर दे रहा है, मैं स्वयं ही अपने काम को करता हूँ, मैंने अपना काम स्वयं किया। ये एक थोड़ा सा लेवल का मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस हो जाता है, इसमें ज्यादा जोर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई कहता है मैंने स्वयं ही अपने काम को किया या मैंने स्वयं ही अपने काम को करता हूँ, तो ये जो आई के बाद माई सेल्फ आया है ये माई सेल्फ है तो सेल्फ प्रोनाउन, लेकिन ये आपका क्या है? ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया गया है और इसके द्वारा कर्ता अपनी बात को जोर देकर कह रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या दिया, मैंने यहाँ पर लिखा कि सी, मैंने यहाँ पर लिखा सी हरसेल्फ, एच ई आर एस ई एल एफ, सी हरसेल्फ लर्न हिज लेसन, लर्न हर लेसन, सॉरी हर लेसन, यानी वह स्वयं ही अपने पाठ को याद करती है। सी हरसेल्फ लर्न हर लेसन, वह स्वयं ही अपने पाठ को याद करती है। इसका मतलब यह है कि वह अपने बात को जोर देकर कह रही है। तो आप याद रखिएगा, अगर सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे, और अगर सेल्फ प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, और यही अंतर है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। फ्रेंड्स, अभी और भी जो है काइंड्स है, टाइप्स है प्रोनाउन के, जिनको हम कुछ काइंड्स को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन फ्रेंड्स कहना चाहूंगा कि प्लीज इसे जरूर आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप चैनल में नए हैं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।